हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है चैनल पे। तो गाइस, आज का ये वीडियो है BS2E के बारे में। जी हाँ, तो मैं तो इसके बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन यूट्यूब में देख रहा हूँ इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है हर जगह पे, क्योंकि एक वीडियो जो कि वायरल हो चुका है, लगभग बोल सकते हैं कि सभी को डिमांड में आ रहा है, सभी का नज़र पे आ रहा है कि ट्विकर से रूट करके 440 का DPI लगा के आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है। तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा वीडियो हो रहा है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उसको चेक करेंगे सच या झूठे। ये जो BS2E है ना, ये पहले यूज़ होता था, इसको BS2E 3 बोलता था। अभी तो इसका 5 भी लॉन्च होने वाला है, जिसपे कि आप मीमू नॉक्स वगैरह दूसरों को भी रूट कर सकते हैं। तो BS2E बेसिकली क्या होता था पहले के ज़माने में, एकदम जब निकला था ब्लूस्टार, तब ना इतना ऑप्शन नहीं आता था सेटिंग का। तो BS2E से एक तो रूट होता था, दूसरा जो है फुल कस्टम सेटिंग होता था। तो रूट क्यों करता था, तब गेम गार्डियन और जो भट्टू वाले एक्सपोर्ट थे, इसको यूज़ करके लोग कुछ मॉडिफाई करते थे, तो तब इसका ज़रूरत होता था बिना रूट के, क्योंकि आपको फुल ऐप परमिशन मॉडिफाई नहीं मिलता था, फुल डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, इसलिए रूट करना पड़ता था। तो रूट उस काम के लिए ही आता है मेन। और दूसरा जो है, देखिए आप अगर मीमू दूसरा कोई इमुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप DPI वैसे ही 500, 600, 700 जितना चाहे उतना कस्टम नॉर्मली कर सकते, उसके लिए आपको रूट नहीं करना पड़ता। लेकिन ब्लूस्टार प्लस MSI में ऐसा बात नहीं है, उस पर आप बिना रूट के DPI चेंज नहीं कर सकते उतना ज़्यादा। तो हर बंदा बोल रहा है 440 DPI करने से रूट करके आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है, तो आज हम वही देखेंगे ये सच है या झूठ है। तो इधर देखिए, BS2E हमने डाउनलोड कर चुका है, इधर पे है, और आप गूगल पे जाके BS2E मारने से आपका पहले पे ये आ जाएगा, डाउनलोड नॉर्मली हो जाएगा। डाउनलोड 2 पे आपको क्लिक करना है, पहले पे आपका जो है वो टेलीग्राम का लिंक आएगा, दूसरे पे डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड 2 पे, ठीक है। इधर तो देखिए, इधर आप अगर BS2E मारेंगे, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, तो ये रहा डाउनलोड 2, और पहला वाला देख सकती है ये बीटा जो है, ये बीटा पे अभी सबको आप कर सकते हैं रूट, लेकिन उससे ज़रूरत नहीं, वैसे ही रूट होता है नॉर्मल ऑप्शन सब कुछ होता है। तो BS2E ये वाला डाउनलोड 2 पे आपको दबाना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए, बेसिकली ये सिंपल सा चीज़ है, इधर से आपको रन एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी मार सकते हैं, ऑटोमेटिक ले लेगा आपका जो वर्सन है, ऑटोमेटिक ले लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो देखिए, आज मैं दिखाने वाला हूँ इसको MSI पे। तो देखिए, इधर ब्लूस्टार MSI आ गया मेरा जो ऑटोमेटिक है वर्सन, देखिए। तो इधर रूट का सिंपल सा फंडा है इसको, अगर आपको रूट करना है तो देखिए, मेरा पहले से रूट है, ठीक है। तो इधर मैंने अगर लॉक मारा, फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा, और आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो इधर अनलॉक ऑप्शन आएगा, तो इधर जो अनलॉक मारना होगा, और उससे पहले आपको क्या करना होगा, इधर से पूरा फोर्स की फुल स्टॉप करना होगा इधर, ठीक है। आपका इधर फोर स्किल करना पड़ेगा, ऐसे फुल स्टॉप सब कुछ करना पड़ेगा, फिर कॉन्फिग पे आपके जाके रूट करने के बाद फिर आपको रूट करना पड़ेगा, इधर अनलॉक ऑप्शन आएगा, फिर अनलॉक के बाद अप्लाई करने से इधर ट्रू हो जाएगा, आपका जो है वो रूट सक्सेस हो जाएगा। और उसके बाद आप कॉन्फिग में जाके इधर देखिए, आपको जितना DPI चाहिए, जितना जो चाहिए, इधर अप्लाई करने से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं, इधर इसको पैच कर रहा है, उसके बाद ये पैच करके फिर जो गेम गार्डियन, जो गेम सुपर यूज़र होता है, सुपर यूज़र जो रूट का, वो इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं बता दूं, अगर आप गेम गार्डियन यूज़ करना चाहते हो, कोई हैक वगैरह लगा रहे हो, तभी वो सब काम आता है, नहीं तो आपको सुपर यूज़र यानी कि SU जो ऐप है, इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ बंदा दिखा रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा ज़्यादा यूज़ होगा ब्लूस्टार या MSI का, तो उसका क्या होगा, आपका नॉर्मल डिवाइस से और ज़्यादा रैम यूज़ होगा, और ज़्यादा प्रोसेसर पे लोड पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। आप नॉर्मल रूट करके भी DPI चेंज कर सकते हैं। इधर देखिए, अगर मैं 200 का देता हूँ, इधर अप्लाई देखिए, DPI 200 अप्लाई टू 200 हो गया। तो इधर मैं अगर 440 करता हूँ अप्लाई, तो देखिए ट्रू हो गया। तो आपका कोई झंझट नहीं, इधर से ही आप कर सकते बिना सुपर यूज़र इंस्टॉल करके। सुपर यूज़र का सिर्फ अगर भट्टू और एक्सपोर्ट जैसा गेम गार्डियन जैसे आप चालू करना चाहते हो तभी काम आएगा, नहीं तो नॉर्मल रूट पे आप कोई भी सेटिंग कर सकते हो। और इधर देख सकते हैं, मेरा अभी ये वाला सेटिंग है डिफ़ॉल्ट पे, देख सकते, ये कर दिया अप्लाई। तो देखिए, इधर हो गया अप्लाई, जो मेरा जो रेजुलेशन है वो हो गया अप्लाई, और इधर 440 भी हो गया अप्लाई। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट हम इधर से भी कर सकते हैं, देखिए ए हो गया स्टार्ट, और ए हो गया ए ग्रीन, ए हो गया इसका जो अभी लोड लेगा, तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो मेरा रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा डिले होगा, स्टार्टअप में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि कॉमन बात है, हमारा सेटअप गेमिंग नहीं है, और जितना भी यूट्यूबर इसके बारे में वीडियो बनाए ज़्यादातर देखा, उनका सेटअप जो है एकदम हाई एंड है, मेरा तो PC BG है, उन लोगों का तो
क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पीसीबी के है और बहुत हाई है। फिर छोड़ो वो सब बात छोड़ो, तो सीधा हम अभी देखेंगे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके। और ये मैं मेरा अकाउंट नहीं खोल रहा, मेरा अकाउंट म्यू पे खोला हुआ है और सभी को पता है। अभी म्यू पे लॉगिन करने के लिए फेसबुक इंस्टॉल करना पड़ रहा है, नहीं तो रिक्स हो रहा है, बोलो बोल रहा है हैकिंग का रिक्स रह सकता है। तो ऐप से इंस्टॉल करके कर रहा हूँ, तो वो सब वगैरह झमेला में मैं नहीं गया। डायरेक्ट एक नूबरा आईडी लेके आया, नया वाला इधर दिखा रहा हूँ। पहला वाला आईडी भी नूबरा, वो भी है छोटा वाला, तो इसमें ही दिखा देता हूँ मैं। तो क्या एक्यूरेसी सच में बढ़ रहा है जो सेंसिटिविटी का इशू, अभी हम देखेंगे। 440 पे है हमारा जो, चलो हो रहा है स्टार्ट। डीपीआई जो है 440 पे, तो अभी हम क्या करेंगे, दो गन लेंगे। तो अभी गन वाला ग्लिच है क्यों है पता नहीं। हाथ में डंडा ले लिया, अभी तो एक्सेसरीज ले लेते। देखिए मैंने अभी तक ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं किया, मैं डायरेक्ट ये लेके चले आया। तो अभी हम फील कर दिया एक्यूरेसी सच में हो रहा था। ड्रैग वगैरह तो सही से हो रहा है, ड्रैग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, सेंसिटिविटी थोड़ा घटाना पड़ेगा, नहीं तो सर के ऊपर से निकल रहा है देख सकते। तो मेन जो चीज़ था एक्यूरेसी या सेंसिटिविटी थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन जो सेंसिटिविटी अप डाउन के रह ही जा रहा है। अगर मैंने ज़्यादा दिखाया, देखिए थोड़ा सा हिलाने से अभी देखिए कितना हिल रहा है, सेंसिटिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो गया। देखिए कितना इंक्रीज़ हो गया, देखिए अभी कंट्रोल के बाहर जा चुका है। देखिए अभी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुका है, कंट्रोल के बाहर जा रहा है पूरा। तो सेंसिटिविटी जो आप जानते हैं, इसे देखिए ऐसे माउस लॉक अनलॉक फिर भी करना पड़ रहा है, लेकिन जो बोले एक्यूरेसी की बात, एमयू के बाद, जी हाँ आपका जो डीपीआई बढ़ाने से इसका जो एक्यूरेसी है, जो सेंसिटिविटी है, ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो सेंसिटिविटी का अप डाउन इंक्रीज है यानी कि ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, फिर हमको ऐसे लॉक अनलॉक करना पड़ता है। जितना भी प्रो प्लेयर है ब्लू स्टार के, एमएसआई के, उनको पता है कि ऐसा करना पड़ता है। तो अभी भी आपको करना पड़ेगा, ये वाला प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होगा इस बारे से। लेकिन जी हाँ आपका एक्यूरेसी यानी कि जो एमिंग का जो है, आपका माउस हिलाने से जो एम होता है, माउस मूव करने से, वो आपका ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा आपका इपे बढ़ाने से। और सेंसिटिविटी अपने हिसाब से करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए मैं अगर, देखिए सेंसिटिविटी फिर से ज़्यादा हो गया, आप मैं लॉक अनलॉक की, आप सही हो गया, आप सही हो गया। तो लॉक अनलॉक का जो इशू है आपको अभी भी रहेगा, लॉक अनलॉक का इशू जो है अभी तक गया नहीं। तो अगली बार मैं अगला वीडियो ट्राई करूंगा ब्लूस्टक का बेस भर्सन, ब्लूस्टक 4 का, जो कि 4.240 वो वाला भर्सन सबसे ज़्यादा बढ़िया था, मैंने खुद यूज़ किया। तो उसमें 440 डीपीआई लगा, फिर एक ट्विक का भी वीडियो बनाऊंगा, बेस ट्विक कौन सा वाला ट्विक जो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, ज़्यादा सेंसिटिविटी का इशू नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के होगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मन में कोई सवाल रहा तो कमेंट करना, और जो भी बंदा हमको सपोर्ट कर रहे हैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा जो चैलेंज है ऑलरेडी डेड हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।